वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो फाइनेंस एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आप भी जियो फाइनेंस एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाय स्टेप पर जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो फाइनेंस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद में ओपन करनी है। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अपना अकाउंट बनाने के लिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा लॉगिन नेम का, इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसा एंटर पे जा जाएगा, जो भी नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नंबर सिंपली यहाँ पर आपको डाल लेना है। नंबर डालना है, गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो भी नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी कोड आएगा, उन ओटीपी कोड को सिंपली यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए मैंने जो भी नंबर दिया था उस पर ओटीपी कोड आया है, उन ओटीपी कोड को सिंपली मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपने भी जो भी नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी कोड आया होगा, उन ओटीपी कोड को सिंपली यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी कोड डाल लेता हूँ। ऐसे ओटीपी डालेंगे ऐसा एंटर पेज आ जाएगा। अब आपको दो ऑप्शन आएंगे, लॉक एक्टिव लॉक का और स्किप नाउ का। लॉक डालना है तो एक्टिव लॉक पर क्लिक करके आपको लॉक लगा लेना है, नहीं डालना तो स्किप नाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे स्किप नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट रहेगा पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने ही चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।